चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 6 है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कोई टिपिकल चैप्टर नहीं, इजी चैप्टर है। और इसमें से आपका 1 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पूरा प्रैक्टिकल के लिए। तो इसको अच्छी तरह आप समझेंगे कुछ चैप्टर को अच्छी तरह से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले मीनिंग क्या रहेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी वो स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तो कैश में जितना आ रहा है यानी कितनी रिसिप्ट्स हैं और कितनी पेमेंट है। रिसिप्ट को हम बोलते हैं इनफ्लो और पेमेंट को बोलते हैं हम आउटफ्लो ऑफ ए कैश ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो हमें ये बताती है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितने हमें रिसिप्ट मिली हैं और कितनी हमारी पेमेंट हुई है। यानी बिल्कुल कैश बेसिस है, कैश आ रहा है कैश जा रहा है। और कैश आ रहा है कैश जाने के लिए हम 3 एक्टिविटी इसके अंदर बनाते हैं जो आपने याद करनी है। एक तो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया गया। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया गया। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया और कितना कैश गया। तो तीनों से हम भी निकालेंगे, फिर तीनों का टोटल होता है जिसको हम पूरी फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। लेकिन हम एक एक एक्टिविटी को करके चलेंगे क्योंकि तीनों का आपको ये कलेक्टिवली अभी इकट्ठी समझ में नहीं आएंगी। तो पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कैसे बनती है, क्या क्या इसके अंदर आएगा, उसको अच्छी तरह समझेंगे। पूरे परफॉर्मे को जो इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अच्छी तरह याद करोगे कि क्या क्या आइटमें इसके अंदर ऐड होनी है, क्या क्या आइटमें लेस होनी है, तो ये पूरा परफॉर्मा आपका पहले रहेगा। और इसके आपके पहले 18 क्वेश्चन होंगे, आपके 1 to 18 क्वेश्चन है। उसमें खाली यही बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम क्या बनाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने तैयार करनी है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट रहेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो आप भी, मैं आपके पास PDF भी भेजूंगा फिर इसके बाद में, आप पूरे परफॉर्मे को अच्छी से पहले आप समझेंगे जो मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद आप अच्छी तरह से इसको लर्न करेंगे। पहले आप लिख लेंगे, उसके बाद मेरे साथ इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के याद करते चलेंगे, क्योंकि बिना याद किए, बिना लर्न किए, बिना प्रैक्टिस करे आगे क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे जब तक ये आप पूरे को लर्न नहीं करोगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो लाइन लगा लीजिए, एक पेज पे पूरा आपकी लाइन लगेंगी यहाँ पे, नेक्स्ट पेज भी आपका यूज़ होगा यहाँ। और इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ना, वर्किंग नोट बनाते हैं। पहले सबसे पहले हम वर्किंग नोट पे आएंगे। ये हमें एक प्रॉफिट निकालना होता है बिफोर टैक्स, क्योंकि हम क्वेश्चन जब लेके चलते हैं ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, आपने नेट प्रॉफिट ले लेंगे जो हमें आफ्टर टैक्स दे रखा होगा। एक तो उसके अंदर आपने सबसे पहले ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, कोई भी जनरल रिजर्व वगैरह में ट्रांसफ़र हो, किसी भी फंड में ट्रांसफ़र हो, आप इसके अंदर ऐड करोगे। प्रपोज डिविडेंड इसमें, बल्कि ये प्रीवियस ईयर का होगा, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर वो आप ऐड करोगे इसके अंदर। इंटरिम डिविडेंड अगर हो, क्वेश्चन में दे रखा हो तो वो भी कर लोगे आप ऐड। बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको ये रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करके, अगर रिफंड ऑफ टैक्स होगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स वो भी आप इसके अंदर ऐड करोगे। नेट प्रॉफिट के अंदर इन सब आइटमों को आपने ऐड करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। आप अब जब लर्न करोगे फॉर्मे को, तो आपने यहीं से शुरू करना है लर्न करना कि पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। अब मेरे साथ याद करना, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेंगे, इसके अंदर ऐड होगा ट्रांसफर टू रिजर्व, या किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर हो, जनरल रिजर्व वगैरह में, सिंकिंग फंड वगैरह में, किसी फंड में। प्रपोज डिविडेंड लेंगे कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का वो ले लेंगे। इंटरिम डिविडेंड ले लेंगे, और प्रोविजन फॉर टैक्स रिफंड ऑफ टैक्स को माइनस करके, रिफंड ऑफ टैक्स को क्या करके, माइनस करके वो लेंगे, और ये नेट प्रॉफिट हमारा बिफोर टैक्स निकल के आ जाएगा। तो याद हो गया पहले इतना, पहले इतना रन करो, नेट प्रॉफिट एट ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, जनरल रिजर्व, किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर हो, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स अगर कोई वापस आया हो तो इसमें से माइनस करके हम इसमें ऐड करेंगे, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम अपने परफॉर्मे में लेके आएंगे, जो हमारा परफॉर्मा है इसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट क्या लेंगे, बिफोर टैक्स ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर और आइटमें हैं जिनको हमने ऐड करना है, जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन फंड आइटमें बोलते हैं इसको, नॉन कैश या नॉन फंड आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो ये आपने मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ते जाना अच्छी तरह, वो इसको लिख लेंगे, पहले याद भी करना है साथ में कि बिफोर टैक्स आपका पता लग गया कहाँ से आया, वर्किंग नोट से आपका प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। इस कॉलम में लिख लेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, इस कॉलम में आपने लिखना है अब क्या क्या ऐड में ऐड करनी है। एक तो सबसे पहले आपका डेप्रिसिएशन,
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, कोई भी रिटर्न ऑफ हो, चाहे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ है, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हैं, या गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ है, या शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है, या अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ है, इन सब आइटमों को आपने इस कॉलम में लिखना है। कि यूनी के क्वेश्चन में आपको सभी आइटमें दे रखी होंगी, हो सकता है एक आइटम दो होगा, तीन हो, जो भी हो, आपको अच्छी तरह याद करना, क्योंकि आइटमें काफ़ी होंगी, उसमें से आपको उसमें से निकालनी है आइटमें जो इसके अंदर ऐड होती हैं। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन, उसके बाद डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस रिटर्न ऑफ, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ, शेयर इशू एक्सपेंसिस रिटर्न ऑफ, अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरोइंग, चाहे आपका लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट है, चाहे आपने शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट पेड कर रखा है, वो आप इसके अंदर ऐड करोगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, इंटरेस्ट पेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये भी अगर कोई लॉस हो रहा है फिक्स एसेट्स का, वो भी आप इसके अंदर ऐड करोगे। और अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो रहा हो, अगर सिंगल कुछ नहीं दे रखा तो भी हम इंक्रीज मानते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन में खाली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे दिया, तो ये नहीं बताया कौन सी ईयर इंक्रीज है, तो इंक्रीज ही मानेंगे। तो ये सब आइटमें टोटल मिला के, जो भी आइटमें आपको मिलेंगी इस कॉलम में लिख के, टोटल ऐड करके इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप ऐड कर देना, और यहाँ निकालना कितना आपका निकल के आएगा। ठीक है, दोबारा एक बार बता दूँ, चलिए पहले तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया था, वर्किंग नोट बनाया था, वहाँ से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका निकला था, देखो वर्किंग नोट में। ये आइटमें पहले आपने याद कर लेनी है अच्छी तरह से, नेट प्रॉफिट के अंदर क्या क्या जोड़ना, फिर बिफोर टैक्स आएगा, फिर आप इसको यहाँ लेके आओगे। उसके बाद आपने इन आइटमों को अच्छी तरह तीन चार बार आप पढ़ोगे ना, तो आपको खुद याद होनी शुरू हो जाएंगी। डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस रिटर्न ऑफ, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ, शेयर इशू एक्सपेंसिस रिटर्न ऑफ, अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ब्रोइंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये हम सब आइटमों को पहले ऐड कर लेंगे, ऐड करके टोटल इसके अंदर लिख लेना, ये टोटल आपका नीचे आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करना है। अब उसके बाद लेस वाली आइटमें हमारे पास चार है, चार ही आइटमें लेस होती हैं, जो हम लेस करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, दोबारा बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, जैसे लॉस आपका ऐड था, गेन आपका क्या है, माइनस है, और एक डिक्रीज, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका डिक्रीज हो रहा हो, जैसे वहाँ इंक्रीज ऐड था, डिक्रीज हमारा माइनस है, ठीक है, तो एक ही मिलेगा, या तो इंक्रीज मिलेगा या डिक्रीज मिलेगा, तो उसको ले लेंगे हम। तो ये हमारी एड में लेस, टोटल करके लेस कर देना इसके अंदर, तो ये हमारा निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, दोबारा बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस यहाँ निकल के आएगा। तो पहले आप क्या करना, आपका हाफ और फॉर्मा हो चुका है, हाफ को पहले दोबारा अच्छी तरह लर्न करो, पहले वर्किंग नोट बनेगा, चार आइटमों को वहाँ याद करना है, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसको यहाँ लेके आना है। कुछ ऐड में ऐड वाली बता रहा हूँ, ये सारी ऐड होनी है ऐड में, टोटल इसमें लिख के टोटल ऐड कर देंगे यहाँ इसके अंदर। फिर लेस वाली ऐड में चार बताइए मैंने आपको, इंटरेस्ट रिसीव्ड, चार के पाँच है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड है, उसके बाद आपका रेंट रिसीव्ड है, रेंट पेड कोई आइटम नहीं थी, मैंने कोई रेंट पेड आइटम नहीं बताई आपको ऐड करने की, रेंट रिसीव्ड लेस होता है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, यहाँ तक आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब उसके बाद एक आपने अब ऐड और लेस थोड़ा खुला स्पेस दे के लिख लेना, ऐड नीचे जाकर लेस, ऐड क्या होता है, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, दोबारा बोलना, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, कुछ करंट असेट्स करंट लायबिलिटी दे रखे होंगे, दो सालों के, टू ईयर के आपको मिलेंगे, उसके अंदर देखना है कि डिक्रीज इन करंट असेट्स, अगर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो रहा तो आप उसको ऐड कर देना, स्पेस में बीच में इसलिए छोड़ो क्योंकि बीच में उन आइटमों का नाम लिखना पड़ेगा हमें। लेस में होता है इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये आपने लेस करना है। तो ये दो दो जो आइटम मिलेंगे इसको करके टोटल ये हमारा फाइनल आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे लास्ट में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ निकल के आएगा। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर आप ध्यान रखना उसमें चल रहे हो आप, ये पहले आइटमों को ऐड किया, जो ये आइटमें बताई थी आपको, डेप्रिसिएशन वगैरह जितनी मिलेंगे आपको, लेस वाले आइटमें ढूंढेंगे उनको लेस कर दिया, यहाँ तक हमारा निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। फिर ये दो आइटमें ऐड है, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस मिलेंगे इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो ये हमारा ऐड लेस होके ये फाइनल आ जाएगा, जिसको बोलेंगे हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लास्ट में हम क्या करेंगे, जो ये टैक्स आपने जोड़ा था, अगर सिंगल टैक्स दे रखा है तो इसी को आपने जैसे यहाँ पहले जोड़ना है, यहाँ तो ऐड कराया था, और यहाँ सबसे लास्ट में आपने टैक्स को माइनस करना है। आपको सर जोड़ा क्यों था, जब जोड़ना भी था तो लेस क्यों करवाया, तो आपने क्या करना कि क्योंकि हमें यहाँ जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, बिफोर टैक्स में चलना पड़ता है क्वेश्चन को लेके, सारा बिफोर टैक्स में चलता है। और फिर लास्ट में क्या करते हैं, टैक्स को तो घटाना ही था, तो लास्ट में फिर टैक्स को दोबारा लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा जो हमें चाहिए। क्या बना रहे हैं, बनाना सीख रहे हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो वो हमारा निकल के आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका निकल के आएगा। लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जब आप करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी लोगे दोबारा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ जाओगे। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कब आएगा, ये ऐड में ऐड, और ये ऐड में आपकी क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। उसके बाद डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ऐड करना है। लेस में क्या लिखना है, इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, चार पांच ऐड में दे रखी होंगे, कुछ करंट असेट्स होंगे, कुछ करंट लाइबिलिटी होंगे, इसके हिसाब से आप कर लेंगे। फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल के आएगा। फिर लास्ट में टैक्स को क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखनी, जब करंट असेट्स करंट लाइबिलिटी लोगे ना, तो उसके अंदर आपने क्या करना है, इन आइटमों को करंट असेट्स करंट लाइबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मत लेना, इनको छोड़ देना, ये तो कैश छोड़ना, वैसे तो करंट असेट्स होता है लेकिन यहाँ छोड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैं इसको बाद में यूज़ कराऊंगा। आपको बैंक छोड़ देंगे, बैंक का ओवरड्राफ्ट छोड़ देंगे, शॉर्ट टर्म लोन छोड़ेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट छोड़ेंगे। दोबारा बोलो, मैंने क्या कहा, कैश, बैंक का ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, करंट इन्वेस्टमेंट, नॉट इंक्लूडेड इन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी व्हेन वी विल प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये नोट दे देना। यानी जब ये करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी लोगे ना, यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज करोगे, तो इनके अंदर ये करंट असेट्स करंट लाइबिलिटी को मत लेना। क्या क्या नहीं लोगे, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, करंट इन्वेस्टमेंट, ये कुछ आइटमों का नाम बता रहा हूँ, नॉट इंक्लूडेड इन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी व्हेन वी विल प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये पूरा फॉर्मेट था जो हमारा था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। जब ये आपके 18 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बारे में बताऊंगा, और पूरी स्टेटमेंट शुरू करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज आपका काम क्या रहेगा, आज मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आपको क्या करना है, PDF फाइल आपको मिल जाएगी बनी हुई जो मैं भेजूंगा आपके पास, उसको पूरे को चैप्टर का नाम लिखना है, जिस कॉपी में भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें नाम लिख के, थोड़ा सा मीनिंग जैसे बताया था, और तीन एक्टिविटी के नाम लिखोगे, पहले कौन कौन सी एक्टिविटी बनती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट स्टार्ट करोगे। ध्यान रखना 2 पेज पे आपका चलेगा ये देखिए, तो उस 2 पेज पे गया, और नीचे पहले सबसे पहले क्या करना, सेकेंड पेज पर हाफ ले लेना, और नीचे वर्किंग नोट पहले बनाना कि हम नेट प्रॉफिट क्या निकालते हैं बिफोर टैक्स, पहले ये लिखा जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेट प्रॉफिट लेंगे, फिर एड ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करके, तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को यहाँ लेके जाएंगे, ये कुछ आइटमें मैंने आपको बताई हैं जिनको आपने ऐड करना है, और लेस वाली आइटमें चार बताई, चार पाँच बताई थी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये लेस हैं। उसके बाद रेंट रिसीव्ड था, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस आपका ऐड होता है, गेन हमारा माइनस होता है, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपका आ जाएगा। उसके बाद फिर डिक्रीज और क्या करना है, इंक्रीज, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ऐड होगा, लेस में इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी लेस होगा। उसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें से टैक्स पेड को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका निकल के आ जाएगा। तो आज मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आप क्या करना, आज सिर्फ अच्छी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट के पूरे फॉर्मेट को कॉपी में लिखना है, जो खाली पहले मैंने आज क्या कौन सी एक्टिविटी कराई है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अच्छी को अच्छी तरह याद कर लोगे ना, पूरे चैप्टर में आपके बनाना है, मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बनाऊंगा, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, लेकिन पहले 18 क्वेश्चन में तो खाली मुझे ये बनानी है, क्या बनानी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और नीचे नोट जरूर डाल देना कि क्या क्या इसके अंदर नहीं लेना है, जैसे कैश है, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, नॉट इंक्लूडेड इन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी व्हेन वी विल प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आज पहले इतना ही करेंगे, ठीक है, बाकी कल कराएंगे, कल से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे फिर आपके, तो ये चैप्टर आपका 15 डेज के आसपास चलेगा, 15 दिन का है चैप्टर आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और लास्ट चैप्टर सोच लीजिए, ये आपकी
प्लस टू का, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर जो है ना छोटे छोटे रह रहे हैं वो तो थ्योरी का, एक थ्योरी का चैप्टर है और एक फर्स्ट वीक खाली लर्न करने के लिए है, ठीक है। तो ये सोचिए लास्ट ही चैप्टर है, फाइनल है, और इसको अच्छी तरह करके चलना, ठीक है। आज इतना ही, बाकी कल।